नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरी भाषा के सितारों का दूसरी भाषा की फिल्मों में अभिनय करना आजकल आम बात हो गई है। हाल ही में मलयालम स्टार मोहनलाल, कन्नड़ स्टार शिवराज कुमार और बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ ने रजनीकांत की जेलर में कैमियो भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित विजय की लियो में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड स्टार आमिर खान को भी एक तमिल फिल्म में कास्ट किया जा सकता है। ये तो सबको पता है कि AGS प्रोडक्शंस वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित विजय की अगली थलपति 68 और मोहन राजा द्वारा निर्देशित जयम रवि स्टारर थानी ओरुवन 2 का निर्माण कर रही है, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि मुख्य अभिनेता के अलावा फिल्म के दोनों कलाकारों की घोषणा होना भी बाकी है। इस बीच AGS प्रोडक्शंस की ऐश्वर्या कलपति ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान से मुलाकात कर कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आते ही अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो दोनों फिल्मों में से किसी एक में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। ऐश्वर्या कलपति ने आमिर खान के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे हमारे समय के महानतम अभिनेताओं में से एक से मिलने का मौका मिला। बता दें कि फैंस थानी ओरुवन 2 में एक मजबूत खलनायक की उम्मीद जता रहे हैं, जो पहले भाग में सिद्धार्थ अभिमन्यु के रूप में अरविंद स्वामी की एक्टिंग को जस्टिफाई कर सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर को थानी ओरुवन 2 में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना जा सकता है। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो फिल्म के साथ तमिल में अपनी शुरुआत करेंगे और इससे उनके तमिल प्रशंसकों को काफी खुशी होगी। इस बीच अगर आमिर खान विजय की थलपति 68 में अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को इस फिल्म में दो शानदार एक्टर एक साथ पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं आमिर खान की साउथ मूवीज में एंट्री। जो भी व्यूज हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे अंशिका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।